बहुत एक्साइटेड हैं और थोड़ा सा कहते हैं कि पेशेंस रख के देख रहे हैं, जज कर रहे हैं। लेट्स सी। ट्रेलर में लोगों का कहना है कि बहुत ही फन है, बहुत ही एंटरटेनिंग है, बहुत ही गालियाँ भी लग रही है। आप बताइए कि कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन सारी चीज़ों को लेकर? नहीं, गालियाँ वालियाँ तो ज़्यादा नहीं है, वो एक लैंग्वेज का फ्लो है, पर्पसली कोई गालियाँ दी नहीं गई हैं इसमें। और हाँ, ऑब्वियसली ट्रेलर का जो रिस्पॉन्स मिला बहुत लोगों ने बहुत एंटरटेनिंग बोला है, और कुछ क्रिटिक्स हैं जैसे सुभाष झा जी ने फिल्म देख के उन्होंने बहुत अच्छा रिव्यू दिया फिल्म। वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट। हम कहना चाहेंगे फिल्म देखिए, एंजॉय कीजिए, आई होप यू लाइक इट। थैंक यू वेरी मच। थोड़ा थोड़ा था गुड़ गुड़, लेकिन अभी वो अब अच्छा लगने लगा क्योंकि हमें रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे मिले हैं। जितने भी रिव्यूज़ अभी तक आए हैं, मैं 3.5 स्टार्स मिल रहे हैं एंड बहुत अच्छे रिव्यू, मतलब स्टार्स से ज़्यादा फिल्म की बात, बहुत तारीफ हो रही है, हमारे काम की तारीफ हो रही है, तो वी आर सो हैप्पी। माई हार्ट बीट इज रेसिंग लाइक एनीथिंग, आई मीन दिस इज द एक्साइटमेंट, नॉट द नर्वसनेस। बस जो जितने रिव्यूज़ आए हैं उन सब ने 3 और 3.5 स्टार्स दिए हैं, बहुत अच्छे रिव्यूज़ दिए, तो हमारा कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा है और हम शुरू से बहुत कॉन्फिडेंट थे, लेकिन एक स्टैम्प लग जाती है तो वो लग गई। वही जब तक आप बिगिनिंग क्या होती है, हमें क्या लगता है कि आपने एग्जाम्स दिए हैं, अब उसका रिजल्ट आ रहा है, लेकिन रिजल्ट जब शुरू में ही आपको अच्छे परसेंटेज मिल रही है, सो अब कॉन्फिडेंस आ रहा है एंड एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है। एंड आप लोग अभी सब देखेंगे फिल्म, और जितनी फिल्म फ्रेटर्निटी हमारी आई है फिल्म देखने के लिए, हम बहुत एक्साइटेड हूँ दिखाने के लिए, क्योंकि अभी बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ गया हमारा। रीलोड फिल्म का नाम है, फॉक्स ने प्रोड्यूस की है, मैं, जैकलिन और सिद्धार्थ मल्होत्रा उसके अंदर हैं, सुनील शेट्टी जी भी हैं उसके अंदर। एंड वो फिल्म हमने मायामी और बैंकॉक और बॉम्बे में शूट की है, फिल्म कंप्लीट हो चुकी है और 25 अगस्त को रिलीज़ हो रही है। फुल एक्साइटेड बिकॉज दैट्स अ फुल एक्शन फिल्म और आपको दर्शन उसमें डिफरेंट और तावड़ देखने को मिलेगा। बहुत अच्छे रिव्यूज़ मिल रहे हैं क्रिटिक्स से, जो मतलब हम लोगों ने सोचा तो था कि अच्छे रिव्यूज़ आएंगे, पर ये तो कुछ और ही हो गया है। तो प्लीज़ थिएटर में जाओ, फिल्म देखो, बिल्कुल मिस मत करना, नहीं तो टंडवा देखा है। अच्छा, मैं बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ और उनकी मेन क्या थी, वो उनकी एक्टिंग के तो हम कायल थे ही, उन्होंने जितने डिफरेंट डिफरेंट रोल किए हैं और उनकी खूबसूरती तो मैं माशाल्लाह मतलब बहुत हो रही है, तो आज ये सुन के थोड़ा दुख हो रहा है कि उनकी तबीयत ख़राब है, लेकिन मैं उनकी जल्दी रिकवर करने के प्रे करता हूँ और मुझे लगता है जल्दी वो फाइटर हैं, बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। विनोद खन्ना जी सब लोग जानते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट गुड लुकिंग गाइज इन फिल्म इंडस्ट्री इज़, और आज मैंने उनका एक फ़ोटो देखा ट्विटर पे जिसमें बहुत ही वीक वो दिखाई दिए, मतलब ऐसे नो एक ऐसे कांच के टूटने की सी आवाज़ एक आती है दिल में, बहुत दुख हुआ वो फ़ोटो देख के। और आई रियली रियली विश कि मैं प्रे करती हूँ भगवान से कि बहुत जल्दी उनकी सेहत में सुधार हो और वो इतने जो गुड लुकिंग और चार्मिंग जो हमेशा दिखते रहे जल्दी से वैसे वापस दिखना शुरू हो जाए। थैंक यू सो मच।